बुखार होने ते की तुसी भी यही करते हो? मोटी चादर नाल सारा शरीर ढक लेना, कमरे नू गरम रखना। जेकर हाँ ता ए बिल्कुल सही तरीका नहीं है। आओ आज वेखिए कि बुखार होने ते सानू मुढ़ली सहायता विच की करना चाहिदा है। ए है अज दा विशा, बुखार लई मुढ़ली सहायता, फर्स्ट एड फॉर फीवर। शरीर दा तापमान आम नालों उपर होने ते बुखार हुंदा है। बुखार दा अर्थ है फीवर। शरीर दा आम तापमान लगभग 98.6 डिग्री फारनहीट हुंदा है, जिसका मतलब लगभग 37 डिग्री सेल्सियस हुंदा है। जेकर शरीर दा तापमान इस तों उपर चला जावे तां इसनूं बुखार मन्या जांदा है। हमेशा याद रखो कि बुखार अपने आप विच कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बीमारी दा लक्षण है। बुखार दर्शाउंदा है कि शरीर विच कोई इन्फेक्शन है, जिस नाल लड़न लई शरीर दा तापमान वध गया है। जदों सानू बुखार हुंदा है तां सानू इह लक्षण दिखदे हन। शरीर गर्म होण लगदा है, चेहरा लाल हो सकता है, सिर दर्द जां शरीर विच दर्द हो सकता है। इस लई बुखार लई मुढ़ली सहायता विच की करना चाहिदा है? सब तो पहला थर्मामीटर नाल शरीर दा तापमान मापो। तापमान मापण दियां दो इकाइयां हन, सेल्सियस अते फारनहीट। पर आम तौर ते शरीर दा तापमान फारनहीट विच मापिया जांदा है। जेकर थर्मामीटर पारे वाला है तां छोटे बच्चियां दी कछ हेठां थर्मामीटर रख के भी तापमान मापिया जा सकदा है। थर्मामीटर दी वरतों किवें करिए, इस बारे जानण लई वेखो वीडियो तापमान दी जांच। 100 डिग्री फारनहीट मतलब मरीज नूं 100 डिग्री फारनहीट तों उपर बुखार विच आराम दी लोड़ है। मरीज दे लक्षणां दा निरीक्षण करो, पता करो कि उस नूं की परेशानी है। मरीज नूं आरामदायक स्थिति विच लिटा दिओ। बुखार विच शरीर गर्म हो जांदा है, इस लई मरीज दे शरीर तों भारी अते वाधू कपड़े उतार दिओ। लोड़ पैण ते हल्की सूती चादर पाओ। कपड़े ढिले, आरामदायक अते हवादार होने चाहिदे हन। चुकुटन ना करो, हवादार कमरा सब तों वधिया हुंदा है। हुण इक भांडे विच टूटी दा पानी लओ। तुसी पानी विच कुछ नमक भी मिला सकदे हो। इस पानी च कपड़े नूं गिल्ला करके मत्थे ते ठंडी पट्टी रखो। तुसी तौलिए नूं गिल्ला करके भी पूरे शरीर नूं पूंझ सकदे हो। अजिहा करन नाल मरीज नूं राहत मिलदी है। बुखार वाले मरीज नूं तरल पदार्थ अते हल्का भोजन दिंदे रहो। पानी, चाह, दाल दा पानी, सूप, लस्सी, जूस वर्गे तरल पदार्थ पीण नूं दिंदे रहो। डॉक्टर दी सलाह अनुसार दवाई सही मात्रा अते समय ते दिंदे रहो। दवाई सही समय अंतराल ते दिओ। मरीज दे बुखार अते दवाई लैण दे समय बारे जानकारी अपने कोल इस तरीके नाल लिख के रखो। ए जानकारी डॉक्टर नूं भी सही इलाज देण विच मदद करदी है। डॉक्टर दी सलाह तों बिना कदे भी कोई दवाई ना दो। ए जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि बुखार होण ते डॉक्टर कोल जां हस्पताल जाना कदों जरूरी है। जेकर 3 महीने तों घट उमर दे बच्चे नूं बुखार है, चाहे इस दे नाल कोई होर लक्षण होवे जां ना होवे, तां तुहानूं उसनूं तुरंत डॉक्टर कोल ले जाना चाहिदा है। जेकर इस तों वड्डी उमर दे बच्चियां नूं 100 डिग्री फारनहीट तों ज़्यादा बुखार होवे तां उन्हां नूं डिस्पेंसरी ले जाओ। जेकर किसी बालग नूं 102 डिग्री फारनहीट तों वध बुखार है जां 3 दिनां तों वध बुखार है तां उस नूं डिस्पेंसरी विच ले जाओ। हालांकि जेकर बुखार दे नाल नाल कोई होर चिंताजनक लक्षण होण तां तुरंत डॉक्टर कोल ले जाओ अते 3 दिनां लई भी ना रुको। याद रखो कि मुढ़ली सहायता केवल तुरंत सहायता है। ए जरूरी है कि मरीज दी डॉक्टर द्वारा जांच कीती जावे। इस समझ दे नाल आओ एक बार फिर वेखिए
ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਟਣਾ ਜਾਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਮਾਪੋ। ਬੇਲੋੜੇ ਭਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਕੱਪੜੇ ਢਿੱਲੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਢਿੱਲੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਓ। ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਜਾਂ ਮੋਟੀ ਚਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਟੱਕੋ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਟੱਕੋ। ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਗਿੱਲੇ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂੰਜੋ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੱਛਣ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਖੋ, ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ।